छत्तीसगढ़ के हजारों दिहाड़ी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वहीं राजनांदगांव जिले के भी हजारों मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। जिले के पारागांव सहित आसपास के 300 परिवार के सदस्य तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में फंसे हुए हैं और वे लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चार पाँच हफ्ता हो गए, काम धंधा सब बंद है। सरकार बोला थे कि घर में रहो, जहाँ वहाँ रुको बोला थे, तो काला खा कर रही वो मदद करी बोला, कुछ तो मदद नहीं करा थी सरकार है। काम धंधा भी बंद है, सब चीज बंद है, एक प्रकार के मतलब हमन फंसे असन हो गए हैं। तो सरकार से अनुरोध है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से, भूपेश बघेल से, कि भाई कोई सुविधा दे या तो फिर राशन पानी कहीं यानी व्यवस्था करे, घर जाए हमला साधन करे, घर जाबो हमारे कितना दिन है भूखे रह रहे। यहाँ के अधिकारी मन बार बार यानी तीन बार चार बार मतलब ना आधार कार्ड नंबर ये सब चीज मांगते, देवो के साधन करा थे, कुछ तो देते नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं दे, दस्तक भर मांग लेते, फिर दे कुछ नहीं है। कितना दिन हो गए, चार हफ्ता से तो बैठे हैं घर में। पहली लॉकडाउन हुई तब हुए ने दस्तखत वस्तखत लेके ले गई, सोबरो कहीं नहीं हुई। फिर दूसरा लॉकडाउन में भी तीन चार बार मांग रही आधार कार्ड मोबाइल नंबर, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी पहुंचे नहीं। ऐसे में तो हम यहाँ फंस जब होकर से भूपेश बघेल से अनुरोध है कि भैया ने भूपेश बघेल है कम से कम हमारे जायज साधन तो करे। जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ के आसपास के मजदूर मजदूरी करने अपने परिवार के साथ दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन अब पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से लाखों दिहाड़ी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। इनमें से कई मजदूर जान हथेली पर रखकर पैदल ही हजारों किलोमीटर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर पैदल निकल गए हैं। यही हालात छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के पारा गांव सहित आसपास के 300 से ज्यादा लोग तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के ग्राम पैदमर पेट पोस्ट रमा रेड्डी थाना हायता नगर जिला रंगा रेड्डी हैदराबाद में युवराज वर्मा, रोहिणी वर्मा, गोकुल वर्मा, रोशन साहू, राधे श्याम लाउत्रे, ब्रिजेश विश्वकर्मा सहित 300 लोग वहीं फंसे हुए हैं और खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं, बुजुर्गों का हाल बेहाल है। पीड़ितों ने ग्राम बेलगांव निवासी युवा जनता जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमर गोस्वामी को वीडियो भेजकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई। वीडियो में समस्या सुनने के बाद मीडिया को बताया कि पीड़ित लोग हैदराबाद में फंसे हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन है कि उनको मदद करें। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोई भी जिले में दूसरे राज्यों के मजदूर के साथ अन्याय नहीं हो रहा, बल्कि सरकार और यहाँ के नागरिक उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ दूसरे राज्यों में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जो निंदनीय है। बाहर गए तो भाई तकलीफ पात है, तो भाई ले कुछ लाने के लिए व्यवस्था होना, दाल चावल नहीं मिला थे, खर्च पानी नहीं मिला थे, हम कैसे जीवन करेंगे। तो भाई मुख्यमंत्री से प्रार्थना है दसून लेके, तो भाई हमारे लड़का ला दे, नहीं तो फिर उनका लोग के व्यवस्था करें। मेरा लड़का फंसे है बहु बेटा वह, एक मुख्यमंत्री से निवेदन है इसका खाने की व्यवस्था करें, नहीं तो लाए की व्यवस्था करें। अपार्टमेंट में तो यहाँ काम धंधा सब बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से, और तो इन्हें कई जन अधिकारी मतलब बोले कि चावल राशन दे तो भैया इन्हें कोई कोशिश करो, तो यहाँ कोई मतलब अधिकारी मन आते कई जन आते और मतलब इन्हें ना यही कहा था मैं छत्तीसगढ़ सरकार से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से दिहाड़ी मजदूर आज हैदराबाद में फंसे हुए हैं और ना वहाँ की सरकार उनकी पूछ परख कर रही है और ना ही उनको राशन मुहैया हो रहा है। आज लॉकडाउन के चलते हमारे छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट के लोग आए हुए हैं, उनकी सेवा हमारी राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार भली भांति उनकी सेवा कर रही है, किंतु जिस हिसाब से हैदराबाद में हमारे राजनांदगांव जिले के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी तेलंगाना सरकार किसी प्रकार से मदद नहीं कर रही है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दिहाड़ी मजदूर हमारे राजनांदगांव जिले से गए हुए हैं उनको वापस लाए, और अगर वापस लाने की कोई सुविधा ना हो रही हो तो कम से कम उन्हें राशन मुहैया कराए, यही मेरी विनती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से।